हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल के दिन में यहाँ पर दो वीडियो से रिलेटेड हमने यहाँ पर बातें करी थी। यहाँ पर एडीएफ फूड्स बताया गया था, जो कि आज के दिन 2-3% भागता हुआ दिखाई दिया। एज वेल एज यहाँ पर एफएल इंडिया से रिलेटेड भी मैंने आपको एक हिंट दी थी। इसके अलावा वैरॉक इंजीनियरिंग, यहाँ पर भी एक अच्छी खासी हमें भागता हुआ दिखाई दिया और बहुत जल्दी यहाँ पर ब्रेकआउट भी होता हुआ दिखाई देगा। तो देखा जाए तो देखिए, मार्केट भागती हुई दिखाई दी है हमें। यहाँ पर निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई तक दोबारा अगेन पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, 18,000 टच करता हुआ नजर आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है क्या, हर एक स्टॉक्स में अगर मैं अपने पोर्टफोलियो की बताऊं तो पिछले 3 दिन में निफ्टी तो भागी है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं, ओके, यहाँ पर अगर मैं आपको बताता हूँ निफ्टी 50, तो 3 दिन से यहाँ पर लगातार निफ्टी 50 तो भागती हुई नजर आई है। बट जो हमारे स्टॉक्स है ना, जो मेरे पर्टिकुलर मेरे पोर्टफोलियो के स्टॉक्स है, कुछ भागे हैं, बट ओवरऑल प्राइस की अगर बात करूँ, नो लॉस नो प्रॉफिट पे यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। ओके, अगर मैं आपको एक थोड़ा स्मॉल कैप से रिलेटेड भी अगर हम देख लेते हैं, तो हमें पता चलेगी स्मॉल कैप 100 से रिलेटेड यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पर देखेंगे स्मॉल कैप, देखिए इधर भी देखिए स्मॉल कैप में बिल्कुल भी यहाँ पर कोई यहाँ पर होता हुआ कुछ नजर नहीं आ रहा है, बल्कि नेगेटिव में ही चल रही है। इसी तरीके से यहाँ पर निफ्टी मिड कैप की बात करें, यहाँ पर भी कुछ एक्शन बनते हुए दिखाई नहीं दे रहा, बट दिखाई दे रहा है तो निफ्टी 50 में यहाँ पर एक्शन बनते हुए दिखाई दे रहा है। और निफ्टी 50 में भी कुछ स्टॉक्स यहाँ पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे स्टॉक्स यहाँ पर नहीं चल रहे। जैसे कि मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि निफ्टी बैंक जब ये चलना शुरू करेगा, क्योंकि 40% वेटेज इसी का है, जब इसका चलना शुरू करेगा तो निफ्टी अपने आप ऊपर जाएगा। तो जैसे ही ये चलना शुरू किया तो यहाँ पर देखिए निफ्टी बैंक चला, तो यहाँ पर निफ्टी 50 भी यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपने साथ साथ चलता रहा। तो बैंकिंग के शेयर यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, कुछ और स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, ओके, इसकी वजह से चीजें ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है, बट ओवरऑल चीजें अभी भी नीचे है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर नीचे डिस्काउंट पर मिलती हुई नजर आ रही है, और उससे रिलेटेड आज के दिन में वीडियोज आएंगी, तो उन स्टॉक्स से रिलेटेड हम बातें करेंगे। बट आज के दिन में हम बात करने वाले हैं एक स्टॉक्स के रिलेटेड, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है टालब्रोज ऑटो। सॉरी, तो टालब्रोज ऑटो की अगर मैं आपको बात बताऊं, आज के दिन में 18%, कल के दिन की भी अगर बात करें तो 11-12% ये ऊपर था। तो 2 दिन में ही ये लगभग 30% के आसपास ये शेयर भागता हुआ दिखाई दिया है। क्या रीजन है, क्यों ये भागता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या टारगेट नजर आ रहे हैं, उससे रिलेटेड पर बात करेंगे। सॉरी, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इन स्टॉक से रिलेटेड। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े, रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस में मिलते रहे। जाके वीडियोस को देखिए, बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है और सीखने की कोशिश करें, सीखेंगे पैसा बनता हुआ नजर आएगा। तो इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज का लाभ उठाने के लिए। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। टालब्रोज की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए, आज के दिन भी 24% के यहाँ पर ये डिलीवरीज उठाई गई है, लगभग 2,81,000 शेयर, 525 रुपये यहाँ पर शेयर में चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से डिविडेंड भी कंपनी देती हुई नजर आती है, और यहाँ पर 58% के शेयर पर प्रमोटर्स का से कोई भी शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है। और यहाँ पर 2004, 2008 और 1988 में यहाँ पर कंपनी 2:5 और 2:5 में रेस्पेक्टिवली यहाँ पर बोनस दे चुकी है कंपनी। तो कंपनी यहाँ पर ओवरऑल अच्छी नजर आती है। इसके अलावा यहाँ पर रिजल्ट भी देखेंगे, 2019 तक अच्छे रिजल्ट थे, इसका गिरावट नजर आई और कंपनी दोबारा यहाँ पर चलती हुई दिखाई दे रही है, जो इसके हम यहाँ पर बैलेंस शीट में जाते हुए देखेंगे। टालब्रोज की बात करें तो यहाँ पर तलवार ब्रदर्स की एक कंपनी है, यहाँ पर अगर देखें बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग गैस गास्केट एंड फोर्जिंग कंपनी में काम करती नजर आती है। फोर्जिंग कंपनी के ऑलरेडी बहुत सारे शेयर है, जो ऑलरेडी पहले भाग लिए थे, अभी ये भागते हुए नजर आ रहे हैं। क्या रीजन है, उससे रिलेटेड बातें करेंगे। बट यहाँ पर कुछ चीजें देखें तो देखिए, गास्केट डिविजन में 66% स्टैंडअलोन रेवेन्यू यहाँ पर आता हुआ दिखाई देता है। इनका शेयर ओवर 50% इन द कंट्री, तो यहाँ पर मेजोरिटी शेयर ऑफ ओवर 50% यहाँ पर कंट्री से ही आता है। द कंपनी हैज aggressively investing in the BS, यहाँ पर देखेंगे BS6 technology में ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है। द कंपनी इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन पोस्ट कोटिंग लाइन, यहाँ पर कंपनी अलग अलग चीजों में गास्केट में यहाँ पर कंपनी इन्वेस्ट करती हुई नजर आती है। इन्वेस्ट फोर्जिंग में 34% यहाँ पर स्टैंडअलोन रेवेन्यू आता है। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा खासा है। ओके, यहाँ पर इनकी वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर आपको पता चलेगी टालब्रोज के बारे में, इनके क्लाइंट से रिलेटेड भी यहाँ पर पता चलेगी, इनके प्रोडक्ट से रिलेटेड यहाँ पर पता चलेगी। तो फोर्जिंग का बिजनेस ऑलरेडी यहाँ पर बढ़िया बिजनेस है, बट यहाँ पर और भी बहुत सारी यहाँ पर कंपनियां, तो यहाँ पर
अगर ओवरऑल बात करें कंपटीशन भी यहाँ पर अच्छा खासा नजर आता है। गास्केट एंड हीट शील्ड बनाने में 4G सुपर सस्पेंशन सिस्टम एज वेल एज एंटी वाइब्रेशन प्रोडक्ट्स एंड होसेस भी बनाने में ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ पॉइंट्स की, तो यहाँ पर देखिए माइक्रो कैप कंपनी है, 638 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है। जिस तरीके से अभी ये भागती हुई दिखाई दे रही है ना आपको, उसी तरीके से यहाँ पर गिरती हुई भी दिखाई देती है, तो इस चीज के लिए भी थोड़ा सा प्रिपेयर रहने की कोशिश करिएगा। और अभी शेयर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, 527 रुपीज पे या 518 के आसपास ये शेयर यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है, तो इस चीज को भी थोड़ा सा यहाँ पर देखिए। आज ही इसने 52 वीक हाई भी लगाया। डेट टू इक्विटी की बात करें, 37% का डेट है, 13 और 11 के आसपास आरओसी आरओई है रेस्पेक्टिवली, 14 के पीई पे शेयर मिल रहा है, और यहाँ पर बात करें तो 10 की फेस वैल्यू भी यहाँ पर नजर आती है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, बीच बीच में हर्डल्स आते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी देखेंगे 142 रुपए से शेयर यहाँ पर 17 रुपए पे आ गया था, समझ रहे 142 रुपए पे 17 रुपए, मतलब काफी लोगों ने कितना नुकसान देखा है, और फिर उसके बाद ये शेयर फिर भागता हुआ नजर आया, तो अप डाउन इसमें चलते रहते हैं, एक एक और कंसोलिडेशन फेज चलता रहता है, तो ऑलरेडी ऊपर के लेवल पर अगर ले लेते हैं फंस जाते हैं तो याद रखिए पता नहीं चलेगी कि कितने साल आपके यहाँ पर जाने इस लेवल पर आने में लग जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 2005 में 151 पे आया, उसके बाद ये लेवल कब आया, ये आया 2015 में, 10 साल बाद आपके पैसे यहाँ पर इस लेवल पर आए, फिर उसके बाद पैसा बनना शुरू हुआ है, उसके 7 साल बाद पैसा बनाया था, यहाँ पर बात करें 17-18 साल बाद यहाँ पर पैसा कमता हुआ नजर आ रहा है, तो थोड़ा सा विचार करके सही तरीके से इन्वेस्ट करने की कोशिश करिएगा। इसके अलावा सेल्स की बात करें तो सेल्स कंपनी की अगर देखते हैं तो कंसिस्ट यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्म कर रही 2019 तक, उसके बाद यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया जस्ट बिकॉज ऑफ पैंडमिक था, फिर दोबारा यहाँ पर देखे तो कंपनी कंसिस्टेंट बेसिस पर पिछले 4-5 क्वार्टर से अच्छा परफॉर्म कर रही है। नेट प्रॉफिट की भी बात करें तो यहाँ पर देखिए उसी तरीके से नेट प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, और अभी की बात करें तो कंपनी अच्छा खासा दोबारा नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है। यहाँ पर अगर बात करें सेल्स 2021 मार्च 2021 में सबसे अच्छी सेल्स हुई थी और अच्छा प्रॉफिट हुआ था, बट अभी की भी सेल्स की बात करें क्वार्टरली और ईयरली बेस पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस कंपनी ने किया है, और धीरे धीरे अपने आप को एक्सपेंड भी कर रही है। सेल्स की बात करें तो ईयरली बेसिस पे यहाँ पर कंसिस्टेंट यहाँ पर ग्रोथ नजर आती है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 9 करोड़ का प्रॉफिट पिछले 12 महीने में 69 करोड़ का हो चुका है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। रिजर्व की बात करें तो रिजर्व देखिए कंपनी के बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और बोरिंग की बात करें तो जो 155 करोड़ की बोरिंग थी वो 1 करोड़ की बोरिंग रह गई है, बोरिंग यहाँ पर कम हो रही है। वर्किंग प्रोग्रेस में 1 करोड़ और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट 82 करोड़, और कैश की बात करें तो 6 करोड़ रुपए के आसपास का यहाँ पर कैश भी पड़ा है, और जो भी अपना सामान ये बेचते हैं तो यहाँ से पैसा आता हुआ दिखाई देता है। आरओसी आरओई देख सकते हैं 13 के आसपास है, और 13-18 के आसपास ही हमेशा यहाँ पर रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 58.24% है, तो 0.02% की होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर्स ने बढ़ती हुई नजर आई है, मतलब यहाँ पर प्रमोटर्स थोड़ी सी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, जो कि कौन, खुद टालब्रोस इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहाँ पर बढ़ाती हुई नजर आ रही है। FIs की बात करें, FIs ने यहाँ पर फिलहाल में अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी बढ़ाई है, 0.19% की हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई है। DIs ने यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई है, एज वेल एज यहाँ पर 40% के शेयर, मतलब पब्लिक से शेयर जा रहे हैं, और पब्लिक से जब भी शेयर जाते हैं मैं हमेशा बताता हूँ कि एक पॉजिटिव साइन होता है, तो पब्लिक से शेयर 41-40 होते हुए नजर आ रहे हैं, बट यहाँ पर एक दो चीज यहाँ पर दिखाई देती है। सॉरी, तो यहाँ पर अगर आपको देखेंगे तो डॉली खन्ना जो यहाँ पर कंसिस्टेंट बेसिस पर डे हर बार हर क्वार्टर में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, 1.17 से 19 करी, 51 करी, यहाँ पर थोड़ी सी हिस्सेदारी कम करी, फिर दोबारा यहाँ पर इस पर्टिकुलर दिसंबर क्वार्टर में इन्होंने हिस्सेदारी बढ़ा ली है, और इसी दिसंबर क्वार्टर के अंदर अंदर इसी क्वार्टर में यहाँ पर विजय केडिया ने भी 2.27% की यहाँ पर हिस्सेदारी ली है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि बड़े बड़े यहाँ पर इन्वेस्टर्स यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ शायद बढ़ा होगा, कुछ उन्होंने देखा होगा, कुछ मैनेजमेंट में उनका भरोसा हुआ होगा, ओके, कुछ बिजनेस मॉडल उन्हें अच्छा लग रहा होगा, इसलिए वो यहाँ पर पर्टिकुलर शेयर में इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर पब्लिक से कम हो रहे हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ पर खरीदते हुए नजर आ रहे हैं, FIs DIs की होल्डिंग बढ़ रही है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग बढ़ती हुई नजर आ रही है, और यहाँ पर इस यही वजह है कि ये जो शेयर है इन दो बड़े नामों की वजह से कि डॉली खन्ना एज वेल एज विजय किशन लाल केडिया ने यहाँ पर हिस्सेदारी ली है, तो इस वजह से ये शेयर जैसे ही न्यूज आई है तो ये शेयर भागते हुए नजर आ रहे हैं। बट मैं हमेशा कहता हूँ भागती हुई गाड़ी को पकड़ने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वहां पर एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर चीजें जब नीचे थी तब अगर खरीदते तो यहाँ पर पैसा देके डबल होता हुआ नजर आ रहा है, बट अभी अगर हम देखें तो चीजें ऑलरेडी यहाँ पर डबल हो चुकी है, 100% तक के यहाँ पर गेन मिल चुके हैं। चार्ट पैटर्न क्या कह रहे हैं, चार्ट पैटर्न कह रहे हैं कि अभी और थोड़ा सा भागेगा, क्यों भागेगा, क्योंकि यहाँ पर ये चार्ट पैटर्न नजर आ रहे हैं,
यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको चीजें समझ में आएगी कि एक कप विद हैंडल पैटर्न यहाँ पर उसका ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया था। ओके, और उसी की दिशा में ये चीजें चलती हुई नजर आ रही है। अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक कप, यहाँ पर कप बनता हुआ नजर आ रहा है, कप के बाद ये हैंडल बन रहा है और उसका यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक अच्छा खासा बड़ा सा यहाँ पर कप बना और कप बना के यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। बट ये ब्रेकआउट ऐसा नहीं है कि ऊपर यहीं पर ही जाके रुकेगा। चीजें जब न्यूज में होती है, ऑपरेटर भी ऐसी चीजों को भगाते हैं, बड़े लोगों ने खरीद रखा है, तो ऐसी चीजें यहाँ पर न्यूज में आती है, चीजें भागी चली जाती है और फिर आप ऊपर के लेवल पर अटक जाएंगे। तो यहाँ पर कोशिश मत करें यहाँ पर अटकने की। ओके, हमेशा कोशिश नीचे के लेवल पर खरीदने की करनी चाहिए, ना कि ऊपर के लेवल पर। बहुत सारे स्टॉक्स अभी भी अच्छे अच्छे आपको नीचे लेवल पर मिल जाएंगे, तो वहां पर जाके इन्वेस्ट करने की कोशिश करें, ना कि ऊपर के लेवल पर। ये चीजें फिर दोबारा नीचे आएगी, क्योंकि जो चीज ऊपर भागती है वो चीज नीचे जरूर आती है। तो यह इस चीज को थोड़ा सा माइंड में रख के अगर काम करेंगे तो अच्छा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। अगर यहाँ पर खरीद लेंगे तो आपके कितने महीने चले जाएंगे इसे रिकवर होने में, वो आप खुद नहीं सोचेंगे। या फिर आप नीचे के लेवल पर जब ये गिरता जाएगा 20-30-40-50% ये नीचे आएगा, तो आप खुद बेच के यहाँ पर निकल जाएंगे। तो यही होता है, तो इस चीज को थोड़ा समझिए। ओके, शेयर यहाँ पर अगर हम देखें, अभी भी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो अच्छी खासी यहाँ पर गेन नजर आते हैं। अगर हम टारगेट तक पहुंचते हैं कि अगर टारगेट यहाँ पर ये अगर पहुंच जाता है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 20-21% के टारगेट के लिए। ओके, और जिसका अभी कुछ भरोसा नहीं है इतना अचीव होगा भी या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी शेयर यहाँ पर दुगना हो चुका है। तो यहाँ पर इतने के लिए अगर रिस्क ले रहे हैं तो आप, मैं इसे रिस्क नहीं कहूंगा, क्योंकि रिस्क ज्यादा है रिवॉर्ड कम है। तो यहाँ पर इस लेवल पे लेते तो अच्छा खासा रहता, अभी लेने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा शेयर है, रिजल्ट का वेट कर लीजिए। शेयर को यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेस होने दीजिए, शेयर दोबारा 360 तक मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, गिरेगा। वेट करिए, पेशेंटली वेट करिए, और एक आई गिरेगा तो उस टाइम यहाँ पर आप इसके बारे में सोच सकते हो। जब एक गिरेगा उस टाइम मैं आपको खुद वीडियो बना के बताऊंगा, बट अभी चलती हुई गाड़ी को पकड़ने की जरूरत नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, ताकि इस तरह की वीडियो आपको यहाँ पर डेली बेसिस से मिलती रहे, चीजें सिखाई जाए कैसे आपको चीजें लेनी है ताकि आपको प्रॉफिट हो सके। उसके लिए यहाँ पर फॉलो करिए, बहुत सारे स्टॉक्स बताया जो कि आज की डेट में एक एक वीक में और 10-10 दिन के अंदर अंदर यहाँ पर 15-15-20-20% रिटर्न दे चुके हैं। सो नीचे नंबर है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।